आज केंद्र की सरकार का 7 वर्ष पूरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा वर्ष उनका पूरा हुआ है। 7 साल देश की जनता उनको याद करेगी, बढ़ते हुए महंगाई को लेकर के, बढ़ते हुए बेरोजगारी बेकारी को लेकर के, और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, देश की जो ताकत है उसमें कमी आई, इसको लेकर के देश की जनता उनको याद करेगी। हमारे देश के युवा को ये उम्मीद थी कि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन आज जिस तरह से बेरोजगारी का दर बढ़ा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, ऐसा पहली बार देश के अंदर हुआ है कि पेट्रोल और डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर मिल रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन सबों की कीमत गिर रही है। देश की जनता प्रधानमंत्री को याद तो जरूर करेगी, लेकिन उनके विफलताओं के चलते याद करेगी। पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनकी सरपरस्ती माननीय मोदी जी कर रहे हैं, इस देश में महंगाई चारों तरफ चरम पर है, बेरोजगारी पिछले 43 वर्षों में सबसे निचले पायदान पर है, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के ऊपर में करारा प्रहार है, भ्रष्टाचार चरम पर है और देश में अराजक स्थिति उत्पन्न है। अगर संविधान में ये व्यवस्था होती सरकार वापस बुलाने की, तो देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार को 2 वर्षों में ही वापस बुला लेती। महामारी का यह आलम है कि अपने मन की बात कहना ये नहीं भूलते। चारों तरफ देश में, समाज में विद्वेष है, भाईचारगी समाप्त हो चुकी है और दूसरे वेव जो आए हैं, दूसरी लहर, लोगों ने देखा बालू की रेत के नीचे गंगा नदी के अंदर किस तरह से लाशें बिछाई गई, चारों तरफ अराजक स्थिति है और प्रधानमंत्री जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दुनिया कहती है, सारे इंटरनेशनल एजेंसियां कहती हैं कि दूसरे वेव के लिए प्राकृतिक नहीं आपदा है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी कृत आपदा है, जिन्होंने बंगाल के चुनाव में कोरोना संक्रमण को फलने और फूलने का अवसर दिया। कई ऐसे आयोजनों, धार्मिक आयोजनों के, जहां लाखों लोग कुंभ के मेले में इकट्ठे हुए, संक्रमण का फैलाव हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के टीके का उत्पादन कर रही थी, अपने लोगों को टीके दे रही थी, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने विश्व गुरु बनने का गौरव हासिल कर लिया। ये कैसा विश्व गुरु था, जब हमारे देश के जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी थी, जिन्होंने 100 करोड़ टीके डोज जो है विदेशों ने उसको बुक कर लिया, आज 1 साल जो है हो गए कि हमारे टीके यहाँ नहीं मिल सकते हैं। और अगर जो रफ्तार है यहाँ 18 से 44 वर्ष के युवाओं के टीकेकरण का, अगर यही रफ्तार रही तो 3 वर्ष लगेंगे 1091 दिन। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।